नमस्ते सभी को। नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते भैया, सुनील भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। सभी का इस हिंदी सत्र में स्वागत है। भैया कल मतलब इस स्लाइड को हम लोग डिस्कस कर रहे थे जी। तो कल हम लोग अभ्यास दो के स्टेप सिक्स पे थे। अभ्यास दो में हमने मैं द्वारा शरीर को ऑब्जर्व करने का अभ्यास किया। उसके पहले स्टेप में हमने मैं और शरीर इन दो वास्तविकताओं को अलग अलग पहचानने का अभ्यास किया। स्टेप टू में मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको देखने का अभ्यास किया और पता चला कि मेरे और शरीर के बीच कोई भौतिक रासायनिक आदान प्रदान नहीं है। जो भी आदान प्रदान है सिर्फ सूचनाओं का है। स्टेप थ्री में हमने ये देखा कि जो आदान प्रदान हो रहा है उसमें निर्णय किसका है। उसमें दिखता है कि मैं निर्णय पूर्वक आवश्यकता अनुसार समय अनुसार शरीर को संकेत देता हूँ और आवश्यकता अनुसार समय अनुसार शरीर में होने वाली संवेदना को पढ़ता हूँ। यही आदान प्रदान है मेरे शरीर के बीच। स्टेप फोर में हमने इस चीज को देखा कि जो भी मैं निर्णय ले रहा हूँ उसका आधार क्या है, समझ या मान्यता। तो ये दिखता है कि अगर समझ आधार में होता है तो मेरा एक प्रकार का निर्णय होता है, अगर मान्यता आधार में होता है। नहीं, स्टेप फोर में हमने फिर मैं और शरीर के बीच की दूरी को देखा। तो ये दिखता है कि मैं शरीर से दूर हूँ, मैं संवेदना से दूर हूँ, संवेदना मेरे बीच दूरी है, संवेदना मुझसे बाहर है। तो मैं निर्णयपूर्वक संवेदना को पढ़ रहा हूँ, मैं निर्णयपूर्वक शरीर को संकेत दे रहा हूँ, पर संवेदना से मेरी दूरी बनी हुई है ना। तो मैं संवेदना हूँ, ना मैं संवेदना में हूँ, ना मैं संवेदना का हिस्सा हूँ। इसको देखते हुए हमने शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में संवेदना को देखने का अभ्यास किया और इस बात को देखने का जानने का प्रयास किया कि मैं शरीर से कैसे भिन्न हूँ। स्टेप फाइव में जो हम निर्णय की बात कर रहे थे, स्टेप थ्री में उसके आधार पर हमने देखने का अभ्यास किया। तो दिखता है कि जो भी मैं संवेदना को पढ़ता हूँ उससे मैं सीधे सीधे प्रभावित नहीं होता। उस संवेदना को कोई मैं अर्थ देता हूँ और यदि वो अर्थ समझ आधारित है तो मैं अप्रभावित रहता हूँ। अगर वो अर्थ मान्यता आधारित है तो मैं प्रभावित हो जाता हूँ। यदि प्रभावित होता हूँ तो मैं फिर प्रतिक्रिया करता हूँ, अप्रभावित रहता हूँ तो मेरी अनुक्रिया मेरी जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह बना रहता है और फिर मैं उसको आवश्यकता अनुसार शरीर को संकेत देता हूँ और तब जाकर व्यक्ति होती है। फिर नौ स्टेप्स में हमने स्टेप फाइव में जो भी क्रियाएं हो रही हैं उसको ऑब्जर्व किया और उसमें दिखता है कि मुख्य बात तो अर्थ देने का है कि कैसे मैं अर्थ देता हूँ। और अर्थ को देते हुए मुझे अपने संस्कारों के प्रति होश होता है कि मेरे संस्कार किस प्रकार बने हुए हैं, है ना। तो अभ्यास एक में भी हम स्टेप फाइव में यहाँ पहुंचे थे, अभ्यास दो में भी स्टेप फाइव पे यहाँ पहुंच रहे हैं। ये दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। अभ्यास एक में सीधे सीधे भाव को देखते हुए संस्कार तक पहुंचने का अभ्यास किया। अभ्यास दो में संवेदनाओं को पढ़ते हुए अपने संस्कारों तक पहुंचने का अभ्यास किया। फिर स्टेप सिक्स में हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यदि मैं प्रतिक्रिया करता हूँ तो मेरा निर्वाह किस प्रकार होता है और यदि मैं जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करता हूँ तो मेरा जीना किस प्रकार होता है। तो मैं अनुक्रिया करता हूँ तो एक प्रकार का निर्वाह है, प्रतिक्रिया करता हूँ दूसरे प्रकार का निर्वाह है। तो इसको ही हम लोगों ने कल असाइनमेंट में लिया था कि एज इफ कोई बाहर से हमें ऑब्जर्व कर रहा हो, हमारे ऊपर कोई कैमरा लगा हो, मुझे अपने आप को बाहर से देखना था, अपने निर्वाह को देखना था कि मैं कैसे चेहरे पे आकृतियां बनाता हूँ, कैसे मैं हाथ हिलाता हूँ, कैसे मैं चलता हूँ, कैसे मैं खड़ा होता हूँ, है ना, कैसे किसी बात पे मैं बोलता हूँ, बोलते समय मैं किन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार करता हूँ कि नहीं, ये सारा हमने ऑब्जर्व करने की बात की थी कल असाइनमेंट ग्रुप में। इसको लेके यदि किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो हैंड रेज कर सकते हैं, शेयरिंग हो तो उसको अभी नहीं रखेंगे, शेयरिंग तो हम लोग आखिर में लेंगे, परंतु यदि किसी का कोई प्रश्न बनता हो, कोई बात नहीं दिख पा रही हो, नहीं समझ में आ पा रही हो, उसको अभी रख सकते हैं। तो इसको कुछ मिनटों में देखना शुरू करना था और धीरे धीरे उसको दिन भर बढ़ाने की बात, इसे भी हम एक अभ्यास में ले आए, है ना। तो भाव को ऑब्जर्व तो कर ही रहे हैं, इसके साथ अपने पूरे एक्सप्रेशन को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा एक्सप्रेशन कैसे किस प्रकार होता है जी। तो अगर अभी कोई प्रश्न नहीं हो भैया लेक्चर 12 लगा लेते हैं, इसका नेक्स्ट स्लाइड एक बार क्लिक कर लीजिएगा। जी, तो
इसके हम लोग अभ्यास दो को अब जब स्टेप सेवन में चलेंगे इसको लेंगे भैया। अभी लेक्चर 12 लगा लीजिएगा। जी तो लेक्चर 12 में भी हम अभ्यास दो को एक बार रिकैप करेंगे। इसमें मैं और शरीर के बीच जो आदान प्रदान हो रहा है उसको यह अध्ययन करने की बात है। तो जो लेक्चर्स हैं और जो प्रैक्टिस सेशंस हैं इस प्रकार है कि लेक्चर में हम उसके कंटेंट को ब्रीफली सॉरी इलैबोरेट करके हम उसको डिस्कस करते हैं और उसी को हम अभ्यास में अपने आप में देखने का सीधा सीधा देखने का अभ्यास करते हैं। जी नेक्स्ट भैया। तो ये जो मैक के पूरा डिस्क्रिप्शन है इस पर तो हमने बात की है। तो मैक की क्रियाओं के बारे में विस्तार से बात हुई है इससे आप अवगत हैं। तो अपने आप में देखें तो ये क्रियाएं हो रही हैं ना। तो जो कल्पनाशीलता की क्रियाएं हैं वो तो हो रही हैं, जो ज्ञान के आयाम की क्रियाएं हैं अनुभव के आयाम की क्रियाएं हैं उसको अपने को जागृत करने की बात है। जी भैया नेक्स्ट। इसको भी उन्होंने अध्ययन किया था अभ्यास दो का अध्ययन करते हुए कि इस तरह से मैं चैतन्य निकाय हूँ शरीर जड़ इकाई है और मेरे जो शरीर के साथ आदान प्रदान हो रहा है वो सिर्फ सूचनाओं का है। मैं शरीर को संकेत देता हूँ और शरीर में होने वाली संवेदनाओं को पढ़ता हूँ। इसी रूप में मेरा और शरीर का सहस्तित्व बना हुआ है। जी नेक्स्ट भैया। हाँ इसके मतलब पिछले स्लाइड पे जाएंगे। जी नहीं भैया इसके पिछले स्लाइड पे हाँ मतलब अभ्यास दो का जो पूरे सातों स्टेप दिखाई दे रहे हैं ना। हाँ तो स्वयं को ऑब्जर्व करना, शरीर को ऑब्जर्व करना और मैं और शरीर के बीच आदान प्रदान को ऑब्जर्व करना। तो ये जो हमने अभ्यास दो में किया उसी को लेक्चर 12 में रखा गया और उसको ही फिर प्रैक्टिस सेशन के दौरान हम एक एक स्टेप को अपने आप में ऑब्जर्व करते रहे। तो पहले स्टेप में बात हो रही है कि आप देखें कि आप हैं और आपके अपने होने का पता अपनी कल्पनाशीलता से चलता है और शरीर है ये भी देखें और शरीर के होने का पता हमें शरीर में होने वाली संवेदनाओं को पढ़ने से पता चलता है। तो ये हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया था स्टेप वन में कि मुझे अपने होने का पता अपनी कल्पनाशीलता अपनी क्रियाओं को देखने से पता चलता है और शरीर के होने का पता जो शरीर से मुझे संवेदना आ रही है उसको पढ़ने से पता चलता है। तो ये बात कई बार हम अवेयर नहीं रहते बोलते हाँ मुझे तो पता है शरीर है बट कैसे पता कर देखें तो संवेदना के माध्यम से ही पता है। तो शरीर को सीधे सीधे देखना अभी हुआ नहीं है, जो संवेदना आ रही है जो सूचना आ रही है उससे हमें शरीर के होने का पता चल रहा है। इसीलिए शरीर के रूप का हमको पता चल जाता है, शरीर के गुण का भी विश्लेषण करके पता चलता है। शरीर का स्वभाव क्या है, धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, ये दिखता नहीं अपने को क्योंकि वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी हुआ नहीं है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं ऑब्जर्व करना, फिर मैं और शरीर के बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं और दिखता है कि समय अनुसार आवश्यकता अनुसार मैं उसको पढ़ता हूँ शरीर से आने वाली संवेदना को या मैं शरीर को संकेत देता हूँ। स्टेप थ्री में फिर हमने ये देखा कि भाई जो निर्णय लेते हैं वो मैं ही लेता हूँ शरीर नहीं, तो शरीर तो जड़ इकाई है, निर्णय तो मुझ में हो रहा है और उस निर्णय को मैं शरीर को पास ऑन करता हूँ सूचना के रूप में एक इंस्ट्रक्शन के रूप में संकेत के रूप में और जो शरीर में क्रियाएं हो रही हैं जो संवेदना के रूप में मुझ तक पहुँच रही है उसको मैं पढ़ता हूँ उसमें भी मेरा निर्णय है। फिर स्टेप फोर हमने देखा था कि आप देखिए कि क्या आप सेंसेशन है सेंसेशन में है या सेंसेशन से आपकी दूरी है इसमें दिखाई देता है कि नहीं, न तो मैं सेंसेशन हूँ न सेंसेशन में हूँ बल्कि मेरी सेंसेशन से दूरी है। फिर उसके बाद हम जो इंटरेक्शन हो रहा है आउटसाइड वर्ल्ड के साथ उसको स्टडी किए तो उसमें हमने देखा कि तीन प्रकार की संवेदनाएं पहुंचती हैं मुझ तक। एक तो शरीर से बाहर जो भौतिक रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं वो, दूसरा शरीर से बाहर जो दूसरे मनुष्य का व्यवहार हो रहा है वो,
और तीसरा जो शरीर में होने वाली भौतिक रासायनिक क्रियाएं हैं, जो तीन प्रकार संवेदनाएं पहुंचती हैं मुझ तक, इनको मैं निर्णय पूर्वक पढ़ता हूँ, फिर पढ़कर मैं अर्थ देता हूँ। उसी क्रम में हमने 9 स्टेप्स को स्टडी किया था। और इसमें ये महत्वपूर्ण बात रही कि हम देखें किस प्रकार से हम संवेदना को अर्थ देते हैं, है ना। फिर स्टेप 6 में हमें अपने संस्कारों को और बारीकी से देखना था, और अपने एक्सप्रेशन को भी देखने की बात है कि कब मैं प्रतिक्रिया करता हूँ, कब मैं जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह करता हूँ। अभी हम लोग इतना डिस्कस किया है, स्टेप 7 को डिस्कस नहीं किया है। जी भैया आगे चलिएगा, किन्हीं का कोई प्रश्न हो अभ्यास 2 को लेकर, क्योंकि ये बस अब रिकैप ही कर रहे हैं, है ना। तो ये तो हम लोग डिस्कस किया कि मैं हूँ कैसे पता, तो मुझे अपनी क्रियाओं को देखने से पता लगता है। शरीर है कैसे पता, तो शरीर से मिलने वाली संवेदनाओं को पढ़ने से पता चलता है, देखता है कि मैं और शरीर ये 2 अलग अलग वास्तविकता है, उसको हमने स्टेप 1 में ऑब्जर्व किया। जी नेक्स्ट भैया। स्टेप 2 में जो मैं और शरीर के बीच आदान प्रदान हो रहा है, उसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि सिर्फ सूचना का है या इसमें कोई भौतिक रसायन आदान प्रदान भी है। तो ये इतनी बातें बार बार हम लोग क्यों कह रहे हैं, ताकि हमें दिख जाए कि मैं भौतिक रसायनिक नहीं हूँ, शरीर भौतिक रसायनिक है, मैं भौतिक रसायनिक नहीं हूँ। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। भैया एक चीज, मतलब जो हमारा शरीर का स्वभाव है वो तो सेल्फ के द्वारा ही डिसाइड होता है, ये सही है ना भैया? नहीं, शरीर का अपना स्वभाव है, शरीर तो जड़ इकाई है, शरीर अपना स्वभाव है। पर भैया जब जब सेंसेशन होती है, या जब हम जैसे सेल्फ, जो बॉडी जो हमारा काम करता है वो तो सेल्फ के इंस्ट्रक्शन के थ्रू ही काम करता है। जब हम सेल्फ जो है वो सेंसेशन रीड करने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन बॉडी को देता है, तो उसी से तो फिर वो डिफाइन करते हैं। हाँ, तो फिर मैं किस तरह से इंस्ट्रक्शन देता हूँ, तो मेरा स्वभाव हुआ या मेरी मान्यता हुई। तो शरीर तो एक निश्चित प्रकार से आचरण कर रहा है, पहचान रहा है, निर्वाह कर रहा है। तो जब मैं शरीर को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ तब भी शरीर में क्रिया हो रही है, जब शरीर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा हूँ तो भी शरीर में क्रिया हो ही रही है। हाँ वो तो शरीर में तो भैया क्रिया तो हो ही रही है, उसी के थ्रू तो फिर हम, मतलब जैसे सेंसेशन होती है तो वो रीड करता है। पर मोस्टली जो है वो सेल्फ ही इंस्ट्रक्शन देता है, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे हैंड की मूवमेंट है, लेग की मूवमेंट है, या हम कभी किसी तरफ देखते हैं, तो ये जो इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं, ये जो बॉडी जो मतलब एक्टिविटी कर रहा है सेल्फ के थ्रू, मतलब सेल्फ के इंस्ट्रक्शन के थ्रू, तो ये फिर जी, तो इसमें तो उसको स्वभाव नहीं कहेंगे, शरीर एक साधन के रूप में काम कर रहा है। स्वभाव का मतलब है अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदारी, जिसका हम चिंतन करते हैं। तो शरीर का स्वभाव निश्चित है, शरीर तो प्राणावस्था की एक इकाई है, जैसे पेड़ पौधों का स्वभाव है वैसे शरीर का स्वभाव है। तो शरीर में जिस तरह से बहुत रासायनिक क्रियाएं हो रही है, उसके आधार पर संगठन विघटन हो रहा है, उसके आधार पर एक इकाई दूसरी इकाई का पोषण कर रही है या अवशोषण कर रही है, इस प्रकार से चल रहा है, यही शरीर का स्वभाव है। जी भैया, अभी ये जो हम शरीर का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो शरीर तो अपने निश्चित स्वभाव से आचरण कर रहा है, ठीक है ना। मैं अपने स्वभाव के अनुसार इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, मैं स्वभाव से हटके इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, ये मेरे ऊपर निर्भर है। जी भैया, जी भैया, धन्यवाद भैया। बढ़िया जी। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। अभी जो शरीर को देखने की बात थी, तो शरीर को एक तो हमें शरीर के होने का पता, एक तो हमें शरीर की संवेदनाओं से लगता है, और दूसरा हम देख के भी तो जानते हैं। जैसे बाहर की चीज, जैसे मैं पत्थर देख रहा हूँ, वैसे मैं अपना शरीर भी तो देख रहा हूँ। तो शरीर को तो मैं 2 प्रकार से देख रहा हूँ, एक संवेदनाओं से और एक आंख से भी तो देख रहा हूँ। आंख से जो देख रहे हैं वो क्या संवेदना है कि नहीं है? हाँ, वो भी संवेदना है। हाँ, मतलब संवेदना है। जी जी, वो संवेदना की। हाँ ठीक है। एक्चुअली मैं ऐसे सोच रहा था कि जैसे सामने जो पत्थर है और शरीर है, ये एक कैटेगरी में है और मैं अलग हूँ, इस तरह से सोच रहा था मैं। मतलब वो जड़ में आ गया दोनों, तो दोनों इस रूप में एक कैटेगरी में है ही, जड़ है और मैं अलग हूँ ही। हाँ, मैं हाँ,
दोनों जड़ है, मैं चैतन्य हूँ, मैं अलग हूँ, बट मुझे शरीर के होने का पता कैसे लग रहा है? तो अगर मैं आंख से भी अपने रूप को देख रहा हूँ, अपने पैर को देख रहा हूँ, धड़ को देख रहा हूँ, तो अल्टीमेटली इसका दृश्य मेरे आंखों में बन रहा है, तो सूचना मुझ तक पहुंच रही है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ और फिर मैं कहता हूँ कि हाँ ये शरीर बना हुआ है, ठीक, तो अल्टीमेटली है तो संवेदना ही ना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, थैंक यू। बढ़िया भैया जी। भैया नमस्ते, सभी को नमस्ते। भैया ये पूछना चाह रहे हैं कि जो अभी बात हो रही थी कि हम कुछ भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, या हम चाहते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग हो तो उसमें हमारे उसमें प्रतिक्रिया होती है, तो कुछ चीज तो भैया है ऐसा कि जिसमें हमारा तो ये इंटेंशन नहीं होता है कि हम हमारे अकॉर्डिंग हो। जैसे बच्चे यदि अभी जिद करें कि हम धूप में बाहर जाएंगे, इतनी तेज धूप है, तो उसमें हम उसको नहीं जाने देते हैं। उसमें कभी कभी ये भी करना पड़ता है कि थोड़ा बच्चे जिद करते हैं तो रोने लगते हैं तो उनको समझा बुझा करके रखना पड़ता है, या मान लीजिए किसी का इंटरव्यू है या कहीं ट्रेन पकड़ने के लिए जाना है तो एक दो बार उनको कहते हैं कि मतलब तैयार हो जाइए या स्नान कर लीजिए। तो इसको ये इस चीज के बारीकी को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये हम अपने अकॉर्डिंग चाह रहे हैं या जो हमारे संबंधी हैं उनके भलाई के लिए ये चीज कर रहे हैं? ये तो आपको स्वयं में ही तय करना होगा, स्वयं में देखना होगा कि ये संबंध के भाव से कह रहे हैं या किसी और भाव से कह रहे हैं। तो हम अगर संबंध के भाव से कह रहे हैं तो ठीक बात है, अगर हम अपने ही किसी मान्यता के दबाव में कह रहे हैं, जैसे अगर हमने मान लिया है कि भाई किसी का इंटरव्यू है और उसका 10 बजे पहुंचना है तो 8 बजे घर से निकलना चाहिए, ये हमारी स्वीकृति है, ठीक। अब हम इस बात पे अड़ गए हैं कि निकलना तो चाहिए ही 8 बजे, तो नहीं निकल रहा व्यक्ति, अब संबंध का भाव चला गया, अब हमें वो 8 बजे निकलना ही महत्वपूर्ण हो गया, बाकी सब गौण हो गया, तो संबंध का भाव नहीं है। ये तो हम अपने ही किसी मान्यता किसी हट के आधार पर व्यवहार कर रहे हैं, तो आपको स्वयं में देखना होगा। बट यदि हम 8 बजे निकलने के लिए इसलिए कह रहे हैं ताकि वो समय से पहुंच जाए, तो हमारी दृष्टि कहीं और होगी कि वो समय से पहुंच पा रहा है कि नहीं, उसका कोई नुकसान ना हो जाए। यहाँ दृष्टि कुछ और होगी कि जो मैंने कहा वो कर रहा है कि नहीं जी। और मान लीजिए बच्चों को या किसी को समय का वो करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है ना? तो ठीक है, ये जो आप बात बताए हैं कि हाँ उसमें हम उस वैसा करते हुए अपना भाव देख ले कि क्या है, ये बात ठीक है, ये मुझे रैशनल लग रहा है कि इसको देखते रहना चाहिए कि वो ऐसा करते हुए हम प्रतिक्रिया में है, आवेश में है, या हमारे अंदर एक जिम्मेदारी का भाव या संबंध का भाव बना हुआ है। जी भैया। और जी भैया, और एक छोटा सा ये और है कि जैसे मान लीजिए कि संवेदना बहुत सारा चीज अवेलेबल है, मान लीजिए व्हाट्सएप पर और भी चीज, और आपका भेजा हुआ नोट्स भी है, तो ये डिसीजन तो जीवन ले रहा है ना कि हमको कुछ और चीज को देखना है या वो वाला चीज को देखना है। जैसे जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण लेते, भूख ही शरीर की आवश्यकता है, लेकिन उसमें हम भोजन का जो चुनाव करेंगे चाहे शरीर के पोषण के लिए है या कुछ और चीज है, तो ये तो निर्णय जो है सो जीवन ही कर रहा है ना। और कौन करेगा? जी नहीं भैया, वही बात है, मना अभी चूंकि उसको देखिए भैया, हम लोग अलग अलग स्टेप में संवेदना वाला भी चीज को वो कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं कि मैं संवेदना में हूँ या संवेदना में, या मान लीजिए कभी कभी जो एक्सेसिव हो जाता है किसी जीवन में कि संवेदना में ही डूबे हुए हैं, उससे ही सुख लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी तो जीवन का ही निर्णय है, भ्रमवश जीवन वैसा कर रहा है, वो समझदारी नहीं है कि मेरे लिए सुख क्या है। जी है ना, निर्णय तो मैं नहीं है ना, इसको तो अपने आप में ऑब्जर्व करना है। हाँ जी जी भैया जी, ठीक है ना भैया, ठीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, धन्यवाद जी। स्टेप टू में हम इस आदान प्रदान को देखते रहे, तो दिखता है कि जो भी आदान प्रदान हो रहा है वो तो सूचना के रूप में है, और जो भी शरीर में क्रियाएं हो रही हैं मैं उसको पढ़ता हूँ आवश्यकता अनुसार। तो ये संवेदना भी एक सूचना है, और ये भी दिखता है कि मैं और शरीर के बीच कोई भौतिक रसायन का आदान प्रदान नहीं है, सिर्फ सूचना का ही है। जी भैया नेक्स्ट लगाइएगा। एक प्रश्न है, आई हैव गॉट वन मान्यता, दैट इज आई हैव टू स्टे for practice on one thing, one step, or at least 3 to 4 months. For at least 3 to 4 months. Now, every day I am changing from one practice to another. For example, seeing body movements change to seeing thoughts, many things like this.
Is this manyata beneficial? What you suggest? Which should be the correct strategy? देखिए हमको ध्यान में तो सारे स्टेप्स रहे हैं तो ज्यादा उपयोगी है, तो उन स्टेप्स का हम सदुपयोग कर पाएंगे। तो हम जो आप अभ्यास करते हैं तो हम एक एक स्टेप को पूरा करते हुए चले, उसमें लग रहा है कि अगर पूरा नहीं हो रहा तो बाकी स्टेप्स को भी थोड़ा पोस्टपोन रखें, पहले वाले स्टेप पे ज्यादा ध्यान दे दें। बट आप पाएंगे कि एक बार प्रस्ताव सुनने में आ गया और ध्यान में सारी बातें रहती हैं तो हमारा ध्यान तो जाता ही रहता है बाकी स्टेप्स पे। जैसे अभ्यास एक में देखें तो भाव को देखने का अभ्यास करना था, तो हम उसको बारीकी से करें, अगर नहीं हो रहा तो उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले उसको पूरा कर लें तभी उस पे जाएं। बट हम अगर पूरी बात को सुन लेते हैं तो भाव को जो हम देखने का अभ्यास कर रहे हैं वो ज़्यादा सटीकता से होता है, नहीं तो ये हमें क्लियर नहीं होता कि पता नहीं आगे क्या करना है इसका, भाव को देख लिया तो क्या आगे, क्या तो आगे क्या करना है वो दृष्टि हमारी बनी हुई है उस सजगता के साथ देख रहे हैं। तो हमारे ध्यान में तो सारे स्टेप्स रहे हैं बट हम एक एक स्टेप को पूरा करते चले अपने आप में। और जो सुबह में हम काम कर रहे हैं वो ये है कि हम आपका ध्यान आकर्षण करा दे रहे हैं, जो हम लोगों ने अभ्यास एक और दो पे ही सिर्फ चर्चा रखी थी तो हम लोगों ने एक एक स्टेप पे काफी समय लगाया था, कुछ स्टेप्स हमने 7 से 10 दिन भी लगा दिए थे। बट अभी हम लोग UHV3 के साथ इसको लेके चल रहे हैं तो आपका ध्यान आकर्षण करा रहे हैं और बाकी उसको समझने के लिए विस्तार से बात कर रहे हैं, ठीक है जी भैया नेक्स्ट लग हाँ याद है। देन ऑब्जर्विंग द डिसीजन मेकर, कि निर्णय कौन ले रहा है, इसको भी हम लोगों ने अभ्यास किया ही था देखने का। तो हम ये देख पाते हैं कि मैं ही निर्णय लेता हूँ शरीर को संकेत देने का और मैं ही निर्णय लेता हूँ शरीर में होने वाले संवेदना को पढ़ने का, तो जो भी एक्सचेंज हो रहा है इन्फॉर्मेशन का वो पूरी तरह से मेरा निर्णय है। तो आपको दिखाई देता है कि मैं कैसे मानव के होने के केंद्र में हूँ, जो भी मेरी स्थिति है वो मेरे निर्णय से ही है। हमने अभ्यास एक में स्टडी किया था, अभ्यास दो में भी देख रहे हैं, जो मैं संवेदना को पढ़ रहा हूँ वो भी मेरा निर्णय है, जो अर्थ दे रहा हूँ वो भी मेरा निर्णय है, जो संस्कारों को बना के रखा हुआ हूँ वो भी मेरा निर्णय है, जो मैं उसके द्वारा प्रतिक्रिया अनुक्रिया कर रहा हूँ वो भी मेरा निर्णय है कि नहीं, पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इस जिम्मेदारी के भाव के साथ अब आगे जीना बनता है। तो शरीर में कुछ भी हो गया अल्टीमेटली उसको पढ़कर जो मैं अर्थ दे रहा हूँ वो तो मेरा ही निर्णय है, तो शरीर को भी दोष देने की जरूरत नहीं है। अगर शरीर में कोई व्याधि है, कोई रोग है, कोई टूट फूट हो गई है तो उससे बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं उसको पढ़ रहा हूँ अपने ही निर्णय से और मैं फिर उसका सदुपयोग करूंगा अपने ही निर्णय से कि नहीं जी। नेक्स्ट स्लाइड भैया। तो मैं निर्णय लेता हूँ क्या करना है नहीं करना है। तो अगर सेल्फ लेवल पे देखें तो मेरा जो भाव है, विचार है, जो चयन है वो मेरा ही निर्णय है। शरीर के स्तर पे देखें तो मेरा इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड है। तो शरीर में देखें तो एक तरह की क्रिया हो रही है जो अपने आप हो रही है बट मेरी स्वीकृति बनी हुई है, तो मैं हर बार उस क्रिया को करने का निर्णय नहीं लेता हूँ। जैसे सांस लेना है, हृदय धड़कना है, चल रहा है ना, परंतु उसमें मेरी स्वीकृति बनी हुई है, उसको गति को बढ़ाना हो घटाना हो तो फिर वहां पर मेरा निर्णय काम आता है। भैया मैं ये कह रहा हूँ, जैसे हम पार्क में या कहीं पर हम देखते हैं कि मान्यता वर्ष एक प्रचलन है कि हम लोग सुबह सुबह उठ के बहुत तेज तेज हंसते हैं, तो उस हंसी के पीछे जो साइंटिफिक कॉज है वो ये है कि हम अपने ब्रेन को ट्रेंड कर रहे हैं कि भाई इस हार्मोन को रिलीज करें, क्योंकि पूरे दिन हमें हंसी तो आनी नहीं है, इतने स्ट्रेस में रहेंगे, और वो ब्रेन उस हार्मोन को रिलीज कर देता है और हमें सुख का अनुभव हो जाता है, उस समय के लिए प्रसन्नता का अनुभव होता है। जबकि ये डिसीजन पूरी तरह से सेल्फ का है कि सेल्फ ने ही कहा है कि इस विचार को चलाओ, और जब उस विचार को चला तो उस हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ गया। तो ये जो ट्रेनिंग का पार्ट है और जो उससे मिलने वाला सुख है, इसे सुख की संज्ञा देना ठीक है या कुछ और दें भैया? देखिए वो तो जो हंसने वाला व्यक्ति है ना वही बता सकते हैं, उसमें तो एक एक्साइटमेंट की स्थिति भी हो सकती है और इसमें ये भी हो सकता है कि हम एक निर्णय ले रहे हैं शरीर के अंगों को ओपन करने का, ये शरीर में पर्टिकुलर स्राव का, तो संयम के भाव के साथ इसको कर सकते हैं। जैसे हम योग करते हैं, आसन करते हैं, तो अपने अंगों को ओपन करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसी प्रकार से हम जब हंस रहे हैं तो अपने मुंह को भी हम ओपन कर रहे हैं, उसको भी एक्सरसाइज कर रहे हैं और उससे हमारे ब्रेन में भी कुछ असर पड़ रहा है।
तो ये तो अपने को देखने की बात है कि मैं संयम के भाव के साथ कर रहा हूँ या एक्साइटमेंट में कर रहा हूँ। कौशिक ग्रुप में कोई संयम के भाव के साथ कर रहा है, कोई एक्साइटमेंट में कर रहा है, बिल्कुल पॉसिबल है। चाहे आप एक्साइटमेंट में करें चाहे आप संयम के भाव से करें, लेकिन दिमाग पर जो हमारे ब्रेन पर जो प्रभाव पड़ रहा है वो एक ही प्रकार का पड़ रहा है, वो एक पर्टिकुलर हार्मोन्स को ही रिलीज कर रहा है जिससे हम जो है प्रसन्न हो जा रहे हैं। तो इस प्रसन्नता को हम एक्साइटमेंट का ही नाम देना भैया, क्योंकि टेम्परेरी है। कुछ समय एक संभावना है कि हंसकर हम प्रसन्न हो रहे हैं, दूसरी संभावना है कि हम प्रसन्न रहते ही है आवश्यकता अनुसार हंसते हैं। जब हमारे अंदर ज्ञान की पूर्णता होगी तो सुख की स्थिति बनी रहेगी, प्रसन्नता की स्थिति बनी रहेगी, बट उसमें ऐसा नहीं कि या तो लगातार हंसते रहेंगे या कभी हंसेंगे नहीं, उसमें भी हम हंसते एक्सप्रेस करते हैं। तो अभी तो स्थिति है कि अभी हमारे अंदर समाधान पूरा नहीं हुआ है, ज्ञान पूरा नहीं हुआ है, तो हंसते भी हैं हम, तो कभी कभी प्रसन्न होते तब हंसते हैं। तो ये एक संभावना तो है ही कि हम अपने आप में निरंतर सुखी हैं, प्रसन्न हैं, और एक्सप्रेशन जो हंसी के रूप में है वो कभी कभी आती है। दूसरी संभावना है कि हम अपने आप में प्रसन्न नहीं है तो एक्साइटमेंट में हंसते हैं। ये तो अपने में ही ऑब्जर्व करने की बात है कि हमारी अपनी स्थिति क्या है। तो संभावनाएं दोनों ही है, एक्साइटमेंट के रूप में भी हो सकता है और जो व्यक्ति आनंद में है वो व्यक्ति भी हंस सकता है आवश्यकता अनुसार। देखो भैया आजकल जो है ना एक मान्यता में एक मतलब एक नया प्रपोजल स्टार्ट हुआ है कि आप अपने ब्रेन को ट्रेंड करें कि आप उस पर्टिकुलर हार्मोन्स को रिलीज करें जिससे आप पूरे दिन फिट रहें, आप उस विचार को चलाएं। तो एक पर्टिकुलर विचार आपने चला दिया, उस विचार से ब्रेन पर एक विशेष प्रभाव पड़ा, उस प्रभाव से जो है हम पूरे दिन के लिए प्रसन्न है। तो वही मैं सोच रहा था कि ये प्रसन्नता तो टेम्परेरी है, अगर हमारा कंट्रडिक्शन है तो कंट्रडिक्शन खत्म होने से ऑटोमेटिकली इंटरनली आदमी जो है अपने स्वभाव में रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी तो हम जिस प्रकार से अपने आप में विचार करते हैं अंतर्विरोध से भरा हुआ, विरोध से भरा हुआ, तो उसके कारण ब्रेन पे काफी उसका असर पड़ता है और ब्रेन के स्वास्थ्य में वो बाधक हो जाता है। तो कुछ विधियों से हम उसको फिर रिकवर करने का प्रयास करते हैं, तो वो तो ठीक है जी। अगर हम अपने आप में समाधानित हों तो निरंतर सुखी रहेंगे, फिर ब्रेन का जिस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं बदल जाएगा, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। जी नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। जी नमस्ते भैया, ये मुझे समझना है। देखिए, विचार करना, चिंतन और मनन, इसको समझना है जी। देखिए, तो मनन जो है ना उसको विचार की श्रेणी में रख सकते हैं। तो जैसे परंपरा में तीन शब्द प्रयोग किए गए हैं, श्रवण, मनन, निधि, ध्यासन। तो श्रवण मतलब जो प्रस्ताव आ रहा है उसको ठीक से सुन पाना, उसकी स्मृति हो पाना। फिर मनन मतलब उसका स्वयं में विचार विश्लेषण करना, उसका चित्रण करना। निधि ध्यासन मतलब उसको देख पाना, जैसा है वैसा देख पाना। इन सब निधि ध्यासन के भी दो अर्थ हैं। तो कई बार तो चिंतन और ध्यासन को अलग ढंग से रखते हैं, कहीं पर समान अर्थ में रखते हैं। तो दिख जाना उसको भी निधि ध्यासन के रूप में रखा गया है। तो मनन को देखें तो कल्पनाशीलता में हम प्रस्ताव को सुनने के बाद जो कुछ कर रहे हैं उसको मनन कहा। उसको मैं वैसा ही देख पा रहा हूँ चिंतन में, बोध में, तो उसको निधि ध्यासन कहना ठीक है। इस प्रकार से रहता है। ये ठीक हो गया? हाँ भैया, ये जो बार बार हम कह रहे हैं कि भाव का चिंतन हो रहा है क्या, या भाव का चिंतन करना है, तो अगर मुझ में हो रहा है कि नहीं, इसको अगर मुझे जांचना है खुद में, तो ये कैसे करूं? आप देखेंगे, देखिए मुझ में ही वो भाव दिखना है। तो अभी तो हम विचारों से चलते हैं, कभी कभी भाव पे ध्यान जाता है और जो भाव के आधार में संस्कार है वो दिखता नहीं अपने को, पता नहीं लगता। तो हम विचारों में ही ज्यादातर समय एक्टिव रहते हैं, उसी में हम थकते रहते हैं, उसी में हम है ना कभी सुखी कभी दुखी होते रहते हैं। तो जब भाव मेरे अंदर दिखेगा और मैं ही हूँ देखने वाला, मुझे पता तो लगेगा ही ना। तो जिस क्षण कोई भाव स्पष्ट हो जाएगा, दिख जाएगा कि ऐसा ही है, या कोई वस्तु का बोध होगा कि ऐसा ही है,
तो मुझे तो पता लगेगा ही, जैसे मुझे अपने विचार का पता लगता है, जैसे मुझे चयन का पता लगता है, जैसे मुझे अपनी इच्छा का पता लगता है, वैसे उसका भी पता लगेगा। जी जी भैया, आई बात समझ में, मैं चेक करती हूँ। बढ़िया दीदी, तो ये हम देख रहे थे कि मैं ही निर्णय लेता हूँ क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो अगर हम स्वयं के स्तर पे देखें तो अपने भाव विचार आशा का निर्णय मेरा ही है। शरीर के स्तर पे देखें, जहाँ मेरी इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है, तो मैं शरीर को संकेत देता हूँ जो भी मैंने निर्णय लिया है उसके आधार पर, है ना, जो मैं शरीर से काम लेना चाहता हूँ, और शरीर उसके अनुसार काम करता है। फिर मैं शरीर को उसी अनुसार चलाता हूँ और मैं एक साधन की तरह उसका प्रयोग करता हूँ, और जो शरीर से संवेदना मिलती है उसको मैं पढ़ता हूँ और उसे डिसाइड करता हूँ कि अब क्या करना है शरीर है उसको लेकर। तो ये हम लोगों ने इस स्टेप में स्टडी किया था। जी भैया, नेक्स्ट स्लाइड लगाइएगा। जी, तो स्टेप थ्री में फिर मैं और शरीर की जो इंट्रैक्शन है, भैया ये इसमें स्टेप थ्री में आ रहा है, ठीक है, इसका विस्तार में चलते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ। तो जब मैं अपने और शरीर के बीच में इंट्रैक्शन को देखते हैं तो ये बात पता लगती है, और ये हम लोगों ने स्टडी किया था अभ्यास एक में भी, कि देखने समझने वाला मैं हूँ, शरीर को संकेत देने वाला मैं, सुखी दुखी होने वाला मैं, तो मैं ही दृष्टा हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, शरीर तो साधन की तरह काम कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट भैया लगाइएगा। फिर स्टेप फोर में हमने मैं और शरीर के बीच की दूरी को देखने का अभ्यास किया था, कि क्या मैं संवेदना हूँ, क्या मैं संवेदना में हूँ, क्या मैं संवेदना से दूर हूँ। तो ऑब्जर्वेशन से दिखता है कि मैं संवेदना नहीं, संवेदना मुझ तक पहुंच रही है, मैं उसको पढ़ता हूँ, और शरीर के किसी भी हिस्से में मैं संवेदना को पढ़ सकता हूँ मेरे निर्णय के आधार पर, और संवेदना मुझसे बाहर हो रही है, मुझ में नहीं है। तो मेरे और शरीर के बीच दूरी है, तो संवेदना के साथ दूरी को देखते हुए मैं अपने और शरीर के बीच की दूरी को देख पाता हूँ, इसको हमने डिस्कस किया ही था। बढ़िया भैया, नेक्स्ट स्लाइड लगाइए। तो मैं और शरीर को जब ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, तो दिखता है कि मेरे और शरीर के बीच सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। मेरी आवश्यकता सुख है, समृद्धि है, इसकी निरंतरता है, मेरी क्रियाएं, मेरी आवश्यकताएं निरंतर हैं। शरीर की जो आवश्यकता है, जो जड़ इकाई है, वो सुविधाओं के रूप में है, और उसकी आवश्यकता टेम्पररी है, क्वांटिटेटिव है, हमारी आवश्यकता क्वालिटेटिव है। तो इसके साथ मेरे अंदर एक भाव बनता है कि शरीर इतना काम आ रहा है मेरे लिए, ज्ञान के अर्थ में, समाधान के अर्थ में, संबंधों के निर्वाह के अर्थ में, तो मैं शरीर के प्रति जिम्मेदार होता हूँ, उसको खिलाने पिलाने में, उसके रख रखाव में, उसके अंगों को मजबूत करने में, स्वस्थ बनाए रखने में, तो मेरे अंदर शरीर के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव आता है, उसको संयम नाम दिया। तो जितना जितना मुझे मैं और शरीर के बीच की दूरी स्पष्ट होती है, उतना उतना मेरे अंदर संयम का भाव बढ़ता जाता है। जितना मैं अपने आप को शरीर मान के जीता हूँ, उतना मुझे लगता जरूर कि मैं शरीर का केयर कर रहा हूँ, बट वो भाव बना नहीं रहता। तो आप पाएंगे कि अभी समाज में हमें दिखाई दे कई लोग हैं जो शरीर के रख रखाव बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, बट एक पार्ट में मेहनत कर रहे हैं, दूसरे पार्ट में उसका शोषण भी कर रहे हैं। तो सुबह जिम में इधर उधर हम घंटा, दो घंटा, चार घंटा लगा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ट्रेनर रखा हुआ है, सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद जब खाने पीने की बारी आती है तो उल्टा सीधा खा रहे कि नहीं। जो निर्वाह की बारी आती है, शरीर से निर्वाह करना, तो ज्यादातर समय तो हम चलते फिरते ही नहीं है, ठीक है ना, पूरे समय हम हो सकता है एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए, शुद्ध हवा में सांस भी नहीं ले रहे। तो एक पार्ट में तो हम बहुत सारा मेहनत कर रहे हैं, और उसका प्रयोजन भी देखें तो शरीर को साधन के रूप में देखते हुए कर रहे हैं, या शरीर के दिखावे से हम कुछ सम्मान पाने के लिए कर रहे हैं, हमारा रूप ऐसा है, हमारा शरीर इस तरह बलिष्ठ है, तो हम फंस जाते हैं वहां पर।
तो संयम के भाव के लिए आवश्यक है कि मुझे शरीर से अपनी दूरी समझ में आए, शरीर को मैं साधन के रूप में देख पाऊं, नहीं तो शरीर को बनाए रखने में, चलाए फिरा रखने में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है कि नहीं। तो ये जो संयम का भाव है ये मुझ में होना है। जी भैया क्लिक करिएगा, इसका एक नेचुरल आउटकम है कि शरीर में स्वास्थ्य बना रहता है, यानी शरीर एक साधन के रूप में मेरे लिए काम करता है, शरीर के अंगों में हार्मनी बनी रहती है, इसका एक नेचुरल आउटकम है। अभी स्वास्थ्य को लेकर समाज में एक भय सा व्याप्त हो गया है और ये दिखाई दे रहा है कि लोग इस बात से बहुत घबराए हुए हैं। किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, रूम रेंट ही 10,000-20,000 हो जाता है, एक डॉक्टर की फीस, इलाज का खर्च। तो कई बार जो हम शरीर का ध्यान भी रखते हैं इस भय से रखते हैं कि भाई कहीं हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए, कहीं कोई बड़ी बीमारी ना हो जाए, है ना, कहीं शरीर मतलब ये ना पकड़ ले, बेड ना पकड़ ले, तो उस भय से करते हैं। ये भी संयम का भाव नहीं है। संयम का भाव तो सहज भाव है, मुझे दिखता है मैं शरीर नहीं हूँ, देखता है शरीर एक साधन है और इस साधन के माध्यम से ही मैं संबंधों का निर्वाह कर पाता हूँ, व्यवस्था में भागीदारी कर पाता हूँ, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदार हो पाता हूँ, इसी साधन के माध्यम से तो मैं प्रस्तावों को ले पाता हूँ, उसको जी कर देख पाता हूँ कि नहीं। तो ये जिम्मेदारी का भाव मेरे अंदर आता है, ये संयम है। अन्यथा या तो हम दूसरों का ध्यान खींचने के लिए अगर शरीर का ध्यान रख रहे हैं या भय से शरीर का ध्यान रख रहे हैं, वो संयम नहीं है। ये बात ठीक है, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। अभी हम ज्यादातर समय क्या कर रहे हैं, या तो इसको अपने आप में देखें, हम संयम के भाव के साथ शरीर का ध्यान रख रहे हैं या कोई शो ऑफ के लिए या भय के कारण, किस कारण से हम रख रहे हैं, ये अपने आप में ऑब्जर्व करने की बात है। क्या लगता है आपको, अभी मेजर रीजन क्या है, संयम का भाव है, भय का भाव है, या शो ऑफ की फीलिंग है, क्या है, ये हम अपने आप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। जी जी, अभी ज्यादातर समय देखे तो हम मिक्स भी रहता है, भय के भाव से ज्यादा चलते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, है ना, हो गया बुढ़ापे में कौन हमारे लिए करेगा, या तो सब अपने अपने मतलब से जी रहे हैं, एंड सो ऑन कि नहीं। तो भय के भाव से जी रहे हैं तो उसमें मेरा सुख नहीं है। जी बढ़िया, हमें देखना है कि कब हम संयम के भाव से ऑपरेट हो रहे हैं, कब हम भय के भाव से ऑपरेट हो रहे हैं, कब हम शो ऑफ के लिए कर रहे हैं, है ना, कब शरीर से अनुकूल संवेदना पाने के लिए कर रहे हैं, ये सब अपने आप में ऑब्जर्व करने का मुद्दा है। राजेश उपाध्याय जी, आपका हैंड रेज है। जी जी जी, आवाज आ रही है भैया जी? जी आ रही है। मेरा क्वेश्चन यही था छोटा सा, कि जैसे हमने डिटर्मिनेशन किया कि सुबह हमको 4:45 बजे उठना है, ठीक है, तो हमने निर्देश दिया शरीर को कि सुबह 4:45 बजे उठना है, और निर्देश तो दिए, एक अलार्म भी लगा दिए ताकि अगर नींद नहीं खुली तो अलार्म से जग जाएंगे, तो वो एक दो बार प्रक्रिया करने के बाद फिर अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, यूं ही 4:45 बजे आंखें खुल जाती अपने से, तो ये एक बार निर्देश देने के बाद शरीर हमेशा करने लगता है, ऐसा समझू क्या भैया जी? देखिए ये भी होता है कि एक बार आप सुबह उठ गए, है ना जी, तो जी उस दिन आप जल्दी सो भी जाते हैं। जी होता तो है ऐसा। देखें तो अल्टीमेटली मुद्दा सुबह उठने का कम है, समय से सोने का ज्यादा है। जी जी, अगर आप समय से सो जाएंगे तो सुबह उठ ही जाएंगे, क्योंकि शरीर को जो विश्राम चाहिए सीमित समय तक ही चाहिए, उससे अधिक विश्राम देने की आवश्यकता नहीं होती, शरीर भी जग जाता है ना। जी जी, अगर उसका थकान पूरा हो गया तो मुद्दा समय से सोने का है, उसको सुनिश्चित कर लें तो जगना तो समय से हो ही जाता है। जी जी, थैंक यू सर। जी बढ़िया भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को भैया। मेरे को एक चीज पूछनी थी कि जैसे हम आप ये कह रहे कि संयम बनती है स्वयं में, तो जब हम इस चीज को देख पाते बहुत सजगता से कि जैसे पीछे की भी हमें वो चीज मतलब शरीर का बाहर नहीं होता वहां पे, जैसे सेल्फ का ही रहता है खाली, और उसमें ये दिखता है कि जो भी मैं निर्णय ले रहा हूँ, जो भी संवेदना आ रही है, जिस चीज को मैं पढ़ रहा हूँ, और वो तो मेरे में ही सब कुछ हो रहा है, मैं ही वो एक्ट कर रहा हूँ सारा,
और उसमें भैया एक गति ये बनती है देखते देखते कि एक तो हमारी हर चीज में वो धीमी गति हो जाती है, जैसे कि थॉट्स है तो बहुत कम हो जाती है, एक जो हमारी एनर्जी लेवल मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत बढ़ जाती है, एक जैसे हम कहते हैं कि इकोनॉमी की तरीके से जैसे आप हर चीज का लग प्लान वो बता रहे थे, हर चीज में देख पाते कि इसमें भी यहाँ कर सकते हैं, इसमें भी ये कर सकते हैं, तो उससे हमारी समय कितनी बच जाती है। और भैया वो ऑटोमेटिकली जैसे ऐसा लगता है कि वो प्लानिंग दूर दूर तक दिखने लगती है कि हाँ ये मतलब बहुत एक फाइननेस के साथ चलती है और वो बहुत मुश्किल नहीं लगती है, तो क्या ये ठीक है या मैं कहीं इसमें चूक हो रही हूँ? तो बेसिकली एक्टिविटी कम नहीं हो रही, भगदड़ कम हो रहा है, तो विचारों में जो भगदड़ था वो कम हो गया, जो उतार चढ़ाव था, उलट फेर था, कॉन्ट्राडिक्शन था, कंफ्यूजन था, वो कम होने लगता है। तो ओवरऑल देखें तो हमारे में भगदड़ कम होता है और बाहर हमारा व्यवस्थित ढंग से जीना बढ़ जाता है, हमारी एफिशिएंसी, हमारी इफेक्टिवनेस सब बढ़ जाती है। जी, ये तो ठीक बात है जो आप कह रही हैं। जी, और भैया जैसे इसमें आप कल हर एक चीज में जैसे आप कहते हैं इसमें इकोनॉमी, जैसे एक इकोनॉमी के ऊपर बात किया, जैसे कि हम होटल में जाते हो तो क्यों जाते हो, अच्छा जा रहे हो तो कितना मतलब उसमें खर्चा, हर चीज में जैसे वो एक प्लानिंग चलती है कि इसमें ये हो सकता है, इसमें ये बचत हो सकता है, इसमें ये अच्छे काम के लिए क्या किया जा सकता है, मतलब इस तरीके से वो एक बहुत प्लानिंग के साथ चल रहा होता है अंदर, मतलब उसको मैं नहीं दे रहा होता, वो ऑटोमेटिक वो दिख रहा होता है कि इतनी व्यवस्था वहां पे कि हम इतने उलझे हुए थे जो बाहर, वो बाहर से उलझना क्यों है इतना जब इतना अच्छा अंदर बना हुआ है सब कुछ। तो ये चीज देखिए भैया इतना समय वो हर चीज में, जैसे कल मेरा कल यही चल रहा था पैटर्न कि भैया जैसे कह रहे थे कि इस चीज में इकोनॉमी हो सकता है तो इसमें कहाँ हो सकता है, तो ऐसे ऐसे बिल्कुल चल रहा था। जी, इनफैक्ट आपको दिखाई देगा कि जितना जितना मुझे सुख का स्रोत भीतर दिखाई देता है, स्वयं में दिखाई देता है, कि जो बाहर भागना है सुख के लिए वो कम होता जाता है। तो कुछ खाने पीने के लिए, कोई दृश्य देखने के लिए, कोई संगीत सुनने के लिए, कोई स्पर्श पाने के लिए, कोई स्वाद पाने के लिए, है ना, कोई गंध पाने के लिए, जो हम इतना सारा भगदड़ कर रहे हैं उसकी आवश्यकता ही नहीं दिखती। तो उसके जड़ को हमने देख लिया, भाई इसके जो भी उपलब्धि होगी ना, तो उसमें निश्चितता है ना निरंतरता है, परतंत्रता तो निश्चित है ना, जो बाहर पे निर्भर है। जी, तो उसमें इकोनॉमी की बात नहीं, बेसिकली मुख्य बात है कि जब हम इस भाव से देख पाते हैं तो शरीर का हम ठीक ठीक सदुपयोग कर पाते हैं, सुविधाओं का ठीक ठीक सदुपयोग कर पाते हैं। तो जो अनावश्यक बहुत सारे हमने कार्यक्रम बना रखे हैं जिसमें हम अपना शरीर को भी वेस्ट करते हैं, सुविधाओं को भी वेस्ट करते हैं, वो रुक जाता है, इकोनॉमी अपने आप उसमें बढ़ जाती है, मतलब जो भी हम इकोनॉमी अभी कह रहे हैं। हाँ जी, समझिए। थैंक यू भैया। क्योंकि अगर हमें सुख के लिए बाहर ना भागना पड़े तो आपको दिखाई देगा कि सुविधा की बहुत कम आवश्यकता है। जी नहीं, अब सुविधा जो हम जुटाएंगे फिर वो संबंध के निर्वाह के लिए जुटाएंगे ना, दूसरे को समाधानित करने के लिए जुटाएंगे। मुझे अपने अपने आप के लिए तो सुविधा की आवश्यकता कम होती जाती है। जी भैया, बहुत ज्यादा, बहुत ही कम, क्योंकि मैं ये देख रही थी कि जैसे हर चीज आप दूसरे के लिए इतना अटेंशन देने लग जाते हैं। मैं जैसे परसों मुझे कहीं जाना भी था तो जैसे मैं बता रही थी कल भी कि हर चीज में कि मेरे पास अब समय बच गया ना, मैं कपड़े भी प्रेस करके रख दूं उनका, ये चाय भी बना के रख दूं, अच्छा खाना भी बना के रख दूं, फटाफट वो खाएंगे फिर निकल जाएंगे, समय उनका भी बच जाएगा, मतलब इतने अच्छे से भाई इसमें प्लानिंग के साथ चलता जा रहा है, उसमें मतलब कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं, और उसमें मैं कर रही हूँ खुशी खुशी, उसमें मुझे कोई तकलीफ भी नहीं लग रही है। फिर ये भी पूछ रही हूँ कि क्या मुझे यहाँ तकलीफ हो रही है, मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों, फिर वो आदत नहीं उनकी बिगड़ जाएंगी, फिर लगता है कि नहीं अगर जहां तक मैं कर सकती हूँ मैं कर तो दूं ना, फिर टाइम भी तो बचेगा यहाँ पे, मतलब वो भागीदारी, ये भी तो एक भागीदारी का दिख रहा है ना भैया कि हम दूसरे के लिए क्या भागीदारी कर पा रहे, छोटे लेवल से जैसे दिखना शुरू हो जाता है वो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू भैया, थैंक यू। बढ़िया जी, जी तो आपको दिखाई दिया कि जैसे जैसे हमारे संयम का भाव पुष्ट होता जाता है, सुख का स्रोत जैसे जैसे हमारे स्वयं में दिखने लगता है, तो हमारी सुविधाओं की आवश्यकता तो और कम होती जाती है, और हमारा जो अधिकांश है सुविधा का जो उत्पादन कर रहे हैं वो फिर समाज गति में लगता है, समाज की व्यवस्था में लगता है ना। बढ़िया भैया, एक बार क्लिक करिएगा। तो जो सुविधा की आवश्यकता है ना, वो संयम के भाव के साथ शरीर की आवश्यकता को पूरा करने के अर्थ में है, शरीर के पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में, सदुपयोग के अर्थ में। अब मैं इसको सीधे सीधे देख पाता हूँ। जी नेक्स्ट भैया। ये बात ध्यान में आई थी कि
जो भी हमें इसके लिए सुविधा की आवश्यकता है वो सीमित है। शरीर के पोषण के लिए जो सुविधा की जरूरत है वो सीमित है। शरीर के संरक्षण के लिए जो सुविधा की आवश्यकता है वो सीमित है। शरीर के सदुपयोग के लिए जो सुविधा की आवश्यकता है वो भी सीमित है। तो इसको हम आप बहुत आसानी से आर्टिकुलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट अब आप सोचें कि जहां पहले सुविधा की आवश्यकता का आकलन करना मुश्किल पड़ता था, अब हम बिल्कुल ठीक ही कह सकते हैं, है ना। और इसके अन्यत्र जो कुछ मुझे लगता है कि आवश्यकता है, अब उसका मूल्यांकन करेंगे, कहीं वो आवेश को सुख मानकर हमने वो आवश्यकता बना ली अपनी, जबकि है नहीं। तो हमें उस पर काम करना है, उस पर ध्यान देंगे, काम करेंगे। सुविधा की आवश्यकता तो निश्चित दिखाई देती है कि नहीं। तो अब हम देख सकते हैं कि महीने भर में हम कितना भोजन लेते हैं, साल भर में कितना लेते हैं, रेस्ट ऑफ लाइफ में लगभग कितना भोजन लेंगे, तो तय कर सकते हैं उतने की व्यवस्था बनी हुई है कि नहीं। संरक्षण के लिए, तो अगर मकान से मुझे सम्मान नहीं पाना है, स्टेटस नहीं पाना है, मकान तो शरीर के संरक्षण के लिए है, तो मैं उसको तय कर सकता हूँ कि कितने मकान की और कितने, है ना, कमरों की जरूरत है। एक सज्जन हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो मुझे एक दिन कहने लगे कि चलो मैं एक बड़ा सा मकान बना रहा हूँ, तुम्हें लेके चलता हूँ, दिखाऊंगा मैं। तो मैंने उनसे कहा, देखिए आप जितने भी बड़े मकान में रहें, है ना, आप रहेंगे तो एक कमरे में ही कि नहीं, तो उसको पहले तय कर लेते कितने कमरों की जरूरत है। तो मेरी वो देखने लगे, फिर कहने कि अभी बैठ के बात करेंगे इस पर। मैंने कहा बिल्कुल बात करेंगे। तो अभी मकान को हमने सम्मान से जोड़ लिया है और लगता है कि मकान, है ना, की आवश्यकता कितनी है, कैसे पूरी होगी, कभी तय नहीं हो पाता। तो अब दिखता है कि शरीर के संरक्षण के लिए जो मकान की जरूरत है सीमित है, कपड़े की जरूरत है वो भी सीमित है। अगर कपड़े सम्मान ना पाना हो, कपड़े से दूसरे का ध्यान ना खींचना हो, है ना, तो सीमित है। सदुपयोग को देखने जाए तो अब सदुपयोग हमारा बढ़ता जाता है। हम जितना फैल कर जीतते हैं, जितना समाज भागीदारी करते हैं, उतना सदुपयोग के लिए साधन हमको लगता है और आवश्यकता हो सकती है। बट उसमें भी वो सिर्फ मुझे उस पर जुटाना ऐसा नहीं है। तो अगर हमें मानवीय शिक्षा व्यवस्था के लिए काम करना है और अपने साथ हजार लोग जुड़े हुए हैं, तो हजारों लोग उन साधनों को जुटाएंगे और उससे काम हो सकता है कि नहीं। और ऑलरेडी जिस तरह के साधनों का दुरुपयोग हो रहा है समाज में, अगर उनका सिंपली सदुपयोग सुनिश्चित हो जाए, तो समाज गति के लिए जितने साधनों की जरूरत है वो भी बहुत सीमित है। इसलिए अभी आप देखिए कि इतना सारा कार्यक्रम चल पा रहा है वॉलंटरी बेसिस पे, तो लोग अपना तन मन धन लगा रहे हैं दूसरों तक सही बात पहुंचाने के लिए। बस अगर देखें जो सुबह हम लोग सत्र कर रहे हैं, तो ये जो जूम का लाइसेंस है वो हमें AICTE से लेना होता है। AICTE इसको प्रोवाइड कर दे रही है। ऑलरेडी AICTE इतना सारा खर्च कर रही है देश में, एक छोटा सा भाग ये भी है, बाकी सारा कुछ तो स्वयं फूर्त विधि से चल ही रहा है। और इतने आसानी से हम एक दूसरे तक पहुंच पाते हैं, एक दूसरे के भाव को सुन पाते हैं, जो कभी हम परिवार में भी नहीं रख पाते, किसी मित्र के साथ भी नहीं रख पाते कि नहीं। अभी जिस तरह के हम प्रश्न करते हैं, जिस तरह के हम संवाद करते हैं, जिस तरह की शेयरिंग करते हैं, आप देखिए कहाँ हम कर पाते हैं, परिवार में कर पाते हैं, कुनबे में कर पाते हैं, दोस्तों के साथ कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते। ये सदुपयोग है कि नहीं। अब इसके देखिए कितना साधन चाहिए, बहुत ही सीमित। तो जो साधनों को हमने बहुत बड़ा एक योजना कार्यक्रम बना दिया है, उसके लिए हम थके जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। जी नरेश की। ओ हेलो जी। हाँ नमस्कार सर, सभी को नमस्कार। जी नमस्ते सर। जैसे ये साधन वाली जो बात होती है जी, मैंने देखा समाज में साहब, जब से मैंने होश संभाला तब से यही सुनता आया कि उनका बेटा कितने पैसे कमाता है, उनके पास ये है, उनके पास ये है। और हमने महिमा मंडप उन्हीं लोगों का करते आए, उन्हीं परिवारों का जिनके पास पैसा है। और ये धीमे धीमे करके मेरे अंदर भी और सभी में ये चीजें एक तरह से इनबिल्ट हो गई सर। हम उसी की इंपॉर्टेंस मानने लगे कि जो ज्यादा पैसे कमाता है, ज्यादा पैसे वाली नौकरी में। अब ये मुझे लगता है साहब इसे हटाने में भी थोड़ा टाइम तो लगना ही है। जी देखिए, पहले तो हम स्पष्ट हो जाएं। तो अगर हम स्पष्ट होते हैं तो हम उनकी उस बात से प्रभावित नहीं होते हैं, हमें समाधान दिखाई देता रहता है और आवश्यकता अनुसार, समय अनुसार हम उसको शेयर भी कर पाते हैं। अभी सर मैंने देखा जैसे एक शर्ट है, उसका कॉलर जैसे कहते हैं ना, फट सा जाता, घिस जाता है जी।
हमने क्या इससे पहले भी मुझे अब तक ध्यान आता है रिप्लेस हो जाता था इधर का उधर, मतलब टॉप एंड बॉटम चेंज कर देते थे तो सर नहीं हो जाती, कॉलर पलटना कहते हैं, कॉलर पलट जाया करते जी सर जी सर। तो हमारे सब एक दोस्त कहने लगे, बोले यार नरेश तुम क्या कमीन पने की हरकतों पर उतर आए हो। मैंने क्या इसका बिगड़ा क्या है ये बताओ जी। तो ये सोच साहब एक तरह से पूरी तरह से वो हो चुकी है, तो इसमें सर टाइम तो मुझे लगता है लगना ही है सर। देखिए टाइम तो लगना है, अब डिपेंड करता है कि हम कितनी बारीकी से ध्यान दे रहे हैं। जैसे स्टेप्स को हम अगर बारीकी से करते चले तो समय कम लगेगा, बट यदि हम ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट को रोक कर विचार वाले पार्ट पे ज्यादा काम करें तो समय ज्यादा लगेगा, ये हम में से हर व्यक्ति के लिए। जी सर जी सर जी सर जी ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बढ़िया भैया जी। भैया नमस्ते सभी को, बहुत ही बढ़िया चल रहा है आज का जो एक घंटा है पूरा हमने रिवाइज कर लिया है, वन में क्या किया टू में क्या किया। भैया सिर्फ मुझे एक छोटा सा सवाल पैदा हो गया कि हमने जो हैप्पीनेस के बारे में बात की है तो एक सज्जन ने उसमें ब्रेन वर्ड भी आ गया, और अभी अभी आपके इसमें हम जो काम करते हैं उसमें तन मन धन भी आ गया। तो ये मन जो वर्ड आया है, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, तो ये क्या हमारी मान्यता है भैया? और ये हमने बीच में भी एक बार डिस्कस किया था कि ये मन वर्ड अपने को सेल्फ से थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो थोड़ा सा इसमें एक दो तीन मिनट बता देंगे तो अच्छा रहेगा प्लीज जी। ये चूंकि सिमिलर साउंडिंग है इसे तन मन धन एक साथ बोलते हैं, मन का मतलब यहाँ सेल्फ ही है। हाँ 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 इस उदाहरण में या इस भाषा में जो प्रयोग कर रहे हैं मन, वो मैं के लिए कर रहे हैं, तो मैं शरीर और सुविधा तन मन धन इसको कह रहे हैं। बट वैसे मन देखें तो मैं के एक बल के रूप में दिखाई देता है जो जहाँ पे चयन और आस्वादन की क्रिया हो रही है उसको मन कहते हैं। कई बार मन को पूरी कल्पनाशीलता को भी कहते हैं, जब कहते हैं भाई है ना माइंडफुलनेस, तो वहां पे माइंड या मन कह रहे हैं तो पूरी कल्पनाशीलता को कह रहे हैं। तो यहाँ पे जो मैं के लिए कहा कि अपने आप को भी लगा पाते हैं, शरीर को भी लगा पाते हैं, अपने धन यानी सुविधाओं को भी लगा पाते हैं। तो धन का मतलब यहाँ करेंसी नहीं कहा जा रहा है, जो भी सुविधाएं हैं लगा पाते हैं। अच्छा फिजिकल फैसिलिटीज जी, जी। तो ये जो मान्यता है हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी भी चल रहा है, कहीं भी हम जाते हैं तो ये मन के हारे हार है, मतलब हमको जो हैप्पीनेस मिलना है वो मतलब मिलाने वाला तो सेल्फ ही है, मतलब हम मन के सोच पे ही हमको सब मिलता है ना भैया, फिजिकल फैसिलिटी कुछ रहे चाहे ना रहे। पहचानेंगे उसको पूरा करेंगे संयम के भाव के साथ। जी जी तो ये मतलब ये जो मन के हारे हार है मन के जीते जीत जब कह रहे हैं तो वो वहां कोई समाधान नहीं है। तो हमको ये दिखता है कि जब हमारे अंदर सही का समझ होता है, सही समझ सही भाव होता है, तो हम अपने आप में कभी हारते ही नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर धीरता का भाव बना रहता है, हमको समाधान दिख रहा है। जी जी कभी हारते नहीं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बस बस यही यही परिमार्जन अगर मतलब लाना है हमको, अभी वो पूरा आया नहीं है, लेकिन हमको हारना नहीं है, सभी मतलब हमारे सभी इसको सेल्फ को ये बताना है। फिर गलत हो गया, हमको हारना नहीं ऐसा नहीं। अच्छा, हम सहज अच्छा। रूप से हारते नहीं है, हम कभी अपने आप में दुखी होते नहीं है, थकते नहीं है, क्योंकि हमको दिखता है कि हर मानव की चाहना ठीक है, हर मानव में समझने की क्षमता है, हर मानव के समझने के यही कार्यक्रम है, तो हम उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। इसमें हारने वाली कोई बात ही नहीं है और जीतने वाली भी कोई बात नहीं है, कि अगर दूसरा समझ गया तो हम जीत थोड़ी गए। हार और जीत तो संघर्ष में होता है, हमारे अंदर संघर्ष का भाव ही चला गया, हमारे अंदर तो संचित का भाव बना हुआ है, तो ना हार का मुद्दा है ना जीत का मुद्दा है, हम उसे बाहर आ गए। धन्यवाद भैया जी। बढ़िया भैया। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि बॉडी सेल्फ और बॉडी तो को एग्जिस्टेंस है जिससे हम पार्टिसिपेशन भी चलता है, पर बॉडी में जो प्राकृतिक चेंजेस होते हैं वो तो प्रकृति से तो कोएग्जिस्ट कर ही रही है सर। ये क्वेश्चन है कि वो कई बारी फिजियोकेमिकल जैसे कहते हैं ये तो नेचुरली होते ही हैं,
बॉडी या जी तो प्रश्न समझ में नहीं आया क्या है प्रश्न ये है कि सेल्फ तो बहुत स्ट्रॉन्ग भाई सेल्फ तो हर चीज समझ रहा है पर बॉडी उसके साथ को एग्जिस्ट नहीं कर पा रही तो यहाँ पर भी एक जो कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हो जाता है तो कई बार डॉक्टर से कंसर्न करने से भी ये पता चलता है कि वो ये तो नेचुरली है फिजियोकेमिकल ये नेचुरली ये जब वर्क करते हैं तो टेंस हो ही जाता है तो इसमें प्रकृति का भी को एग्जिस्टेंस तो है ही है लगता है देखिए पूरी बात जो है ना ये उलट पुलट हो गई तो ऐसा नहीं कि बॉडी को एग्जिस्ट नहीं करता या बॉडी साथ को एग्जिस्टेंस नहीं बना रहता ऐसा नहीं है शरीर में बहुत ही रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं बहुत ही रासायनिक क्रियाओं होने का अपना नियम है तो जब आप बिल्कुल बच्ची छोटी थी सुनिए सुनिए तो पहले तो जब शरीर बिल्कुल छोटा था तो शरीर में एक तरह की क्रियाएं होती थी शरीर और बड़ा हो गया दूसरी तरह की क्रियाएं हो रही है और बड़ा हो गया अलग तरह की क्रियाएं हो रही है तो शरीर की क्रियाएं जो है वो आपके आयु के साथ उम्र के साथ बदल रही है उसके साथ ही हम देखें तो जो बाहर की जो भौतिक रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं उनका शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है ना ज्यादा गर्मी बरसात का या शरीर से जो संपर्क हो रहा है कहीं चोट लग गया कहीं कुछ हो गया उसका प्रभाव पड़ रहा है तो शरीर में एक निश्चित नियम के आधार पर क्रियाएं हो रही है राइट मेरा सही तो बना हुआ सुन लीजिए बिल्कुल सही सर आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है वो जो नियम जो शब्द है ना वो नहीं समझ आ रहा था कि वो उसमें मेरी सेल्फ और बॉडी में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन चल रही थी तो ये जो नियम शब्द से ना ऐसे लग रहा है कि हाँ वो एक रेगुलेशन एक नियम है ये जो बॉडी में चेंजेस होने ही होने हैं तो अगर वो ए सेल्फ और बॉडी ये समझ जाता है कि सेल्फ समझ जाता है तो उसमें वो टेंशन नहीं आती जी 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 बिल्कुल सही सर आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया सर थैंक यू सर अभ्यास दो को ही हम लोग एक बार रिकैप कर रहे थे उसी क्रम में हमने संयम के भाव को एक बार फिर से देखने समझने का काम किया तो इस आधार पर आज सर इसमें एक और क्वेश्चन होता है उसमें संयम का भाव भी खत्म होने लगता है देखिए अभी समझ के भाव में तो कोई निश्चितता नहीं है निरंतरता नहीं है है ना तो समझ के लिए काम करना है सही भाव के लिए काम करना है वो नहीं होगा तो ये सब उथल पुथल लगा ही रहेगा जी सही है सर ओके धन्यवाद सर धन्यवाद सर जी धन्यवाद तो आज के असाइनमेंट यही रहेगा कि हम अपने अंदर संयम के भाव का मूल्यांकन करें और ये देखें कि शरीर से अपनी दूरी को देखते हुए कि संयम का भाव पुष्ट हो पा रहा है कि नहीं शरीर के पोषण संरक्षण का भाव सदुपयोग का भाव पुष्ट हो पा रहा है कि नहीं बढ़िया तो आज यहाँ रोकते हैं सभी को धन्यवाद सभी को नमस्ते